हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, मैं हूँ फराह खान। आज हम बनाएंगे मसाला डोसा, जिसकी रेसिपी है बहुत ईजी। सबसे पहले हमें मसाला डोसे के लिए हमें उसी सब्ज़ी बनाना पड़ेगी। देखिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आइए आज एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं हम। उसके अंदर हम राई डालेंगे। हमारी राई लगभग फ्राई हो चुकी है। अब हम उसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। देखिए हमारा ज़ीरा भी लाइट गोल्डन हो जाना चाहिए। ये हमारा ज़ीरा भी गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता लीव्स, जिसको हम मीठा नीम भी बोल सकते हैं। बहुत सी जगह मीठा नीम, बहुत सी जगह लिमड़ी और बहुत सी जगह करी पत्ता इसको बोला जाता है। सब जगह जगह अलग अलग नाम यूज़ होते हैं। देखिए अब ये हमारा करी पत्ता भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ी सी चने की दाल धोकर रखी थी, और हम उसे भी डालेंगे बघार में, ताकि इसमें हमारा बिल्कुल साउथ इंडियन टेस्ट आएगा और उसके अंदर हमारी सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल और बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए हमारी उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी फ्राई हो जाना चाहिए, उसके अंदर लाइट सी गोल्डन हो जाएगी हमारी उड़द की दाल। तो तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे खचका, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। ये देखिए हमने हरी मिर्च और प्याज डालकर फ्राई कर लेंगे हम इसको। आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो हम हरी मिर्च बाद में डालेंगे, नहीं तो थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने देंगे, प्याज को फ्राई होने देंगे। ये देखिए हमारी प्याज लगभग फ्राई होने आई है। अब हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है, ताकि हमारी हरी मिर्च कड़क कड़क ना हो, नरम सी जाए और उसका टेस्ट उतर जाए सब सब्ज़ी के अंदर। ये देखिए हमारी हरी मिर्च भी फ्राई होने आई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वन और टू टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़्यादा पसंद है स्वाद, तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये देखिए लगभग हमारी हल्दी भी पकने आई है और हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने आलू की बारीक बारीक चिप्स काट के रखी थी, वो इसके अंदर डालेंगे हम। देखिए अगर आप फ्री टाइम हो तो ठीक है कि आप बारीक बारीक चिप्स काट के डालें, और अगर आपको इंस्टेंटली यूज़ करना है तो आप आलू बॉयल कर लें और फिर उसको इस तरह से कटिंग कर लें, तो आप उसको आलू को गलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1 चम्मच। हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे आलू गले नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाएं। बट अगर आपने आलू बॉईल किए हैं तो उसे गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गला हुआ है। तो उसको बघार लगाकर फिर उसके बाद जो हम रेसिपी कंटिन्यू करेंगे वो करना है आपको। आपको फिर आलू गलाना नहीं है, दोनों तरह से बनाया जा सकता है इस सब्ज़ी को। ये देखिए हमारे आलू लगभग गल चुके हैं सब पूरी तरीके से। अब इसके अंदर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे थोड़ी सी नीचे से वो होने आए हैं, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, जिससे कि इसमें खट्टा मीठा स्वाद आएगा। और खट्टेपन के लिए इसमें हम 1 नींबू का जूस डालेंगे। ये देखिए अब इसे हम मिक्स कर देंगे, और इसके अंदर टमाटर भी डाल देंगे बारीक कटे हुए। ये खट्टा मीठा स्वाद के लिए बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है इसको। ये थोड़ी सी देर हम इसको और ढककर रखेंगे, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएं और हमारी नींबू और शक्कर का टेस्ट सब पूरी सब्ज़ी पे उतर जाए। देखिए लगभग हमारी सब्ज़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसके अंदर हरा कटा हुआ धनिया बारीक कटा हुआ बिल्कुल डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, और जितना हो सके जितना ज़्यादा उतना डालिए, क्योंकि इसका टेस्ट हरे धनिया का जब सब्ज़ी में उतरता है तो बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये हमारी कलरफुल सब्ज़ी तैयार है। डोसे की जो मसाले के अंदर मसाले डोसे की जो अंदर का पेस्ट होता है वो तैयार है। ये देखिए हमने डोसे के लिए पेस्ट बनाकर रखा है। इसमें हमने 3 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल भिगाकर रात भर भिगाई थी, और फिर सुबह में इसका पेस्ट बारीक पेस्ट बना लिया था और फिर इसको 8 घंटे के लिए भिगा दिया था। ये देखिए मेरे पास तो स्पेशल डोसा तवा है, पर अगर आपके पास फ्राई पैन हो तो आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने उसके ऊपर पानी छीटा था, तवा गर्म हो गया हो तो। फिर उसके ऊपर हमने आलू ग्रीस किया है आधा काट कर छुरी में लगाकर, और फिर उसके बाद तेल, पानी, हाफ ऑयल और हाफ पानी, आप चाहें तो 1 पली तेल और 1 पली पानी लेकर मिक्स कर सकते हैं उसको अच्छे से। फिर उसको कपड़े में भिगा कर तवे को पूरा साफ़ कर लीजिए।
ये देखिए जो हमने बैटर पेस्ट मिलाया है, जब हम पोहे बनाएंगे तो उसके अंदर 1 कप पोहे अच्छे से धोकर भिगोकर बिल्कुल बारीक पीस लेंगे मिक्सर के अंदर और उसको मिक्स कर देंगे डोसे में। और फिर जो बगैर पेंदे का जो बिल्कुल नीचे से प्लेन कटोरी हो वो लेकर हम उसको डालकर तवे के ऊपर और फिर पेस्ट फैलाएंगे। हम जो पोहे डालेंगे उससे हमारे डोसों में क्रिस्पीपन आएगा और वो मतलब उसमें पकड़ बनी रहेगी, हमारे डोसे टूटेंगे नहीं। ये देखिए हमारा डोसा और बिल्कुल जालीदार बिल्कुल बना है, ये देखिए और लगभग सिकने आया है। इसे हमें तेज़ आंच पर ही बना, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं और बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर नहीं। हमारा दबाव बड़ा है इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप फ्राई पैन में बनाइए तो फ्राई पैन में ही बहुत अच्छा बनेगा। देखिए एक साइड से बिल्कुल हमारा ये सिकने आया है डोसा। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा बीच में से ऊंचा करते रहना है और जहाँ जहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सिक रहा हो तो वहाँ तेल पानी डालते रहना है। अब ये देखिए हम इसके अंदर मसाला डालेंगे और एक साइड से फोल्ड कर देंगे, ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा मसाला डोसा घर पर ही तैयार है, वेरी टेस्टी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि पेस्ट कब का है, कहाँ का, कैसे हाथों से बनाया गया है। ये बिल्कुल होममेड है। ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमने दो डोसे बनाकर रख लिए हैं। ये देखिए दूसरा भी इसी तरह से हम बनाकर मसाला उसके अंदर भरकर जो हमने सब्ज़ी बनाई थी आलू की उसको डालकर उसको 3 फोल्ड करते हैं, दो फोल्ड करते हैं, बीच में एक रहता है, मतलब उस पूरे डोसे को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये हमारा डोसा बड़ा था इसलिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हो तो उसको आप 2 हिस्सों में भी टर्न करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका डोसा फ्राई पैन में कभी हो सकता है छोटा बने, तो इस वजह से। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, सब्ज़ी इसके अंदर हो जाए अंदर कर रहे हैं हम ताकि बाहर ना गिरे। इस तरह से हमको मसाला भरना है डोसे के अंदर। ये देखिए अब हमने इसमें सर्विंग प्लेट में ले लिया है, हमने इसे सर्व किया है सांभर और नारियल की चटनी के साथ। सांभर तो आप हमारी पिछली रेसिपीज़ में देख सकते हैं जिसमें हमने इडली और सांभर बताया है, उसी तरह से सेम बनता है डोसे के लिए भी सांभर। और नारियल की चटनी भी बनाई है हमने, नारियल की चटनी के साथ मसाला डोसा नारियल की चटनी और सांभर के साथ बहुत टेस्टी लगता है, आप खाकर देखिए। नारियल की चटनी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बताऊँगी, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।